हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक है या फिर नहीं है। हम कैसे पता करेंगे? इसका तीन तरीका जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है। तो सबसे पहले तरीके की ओर हम चलेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक और यानी कि तरीका है जिससे आपका, अगर समझिए कि व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी लाइफ में हैक नहीं हो पाएगा, भले ही सामने वाला बंदा आपका नंबर ले ले या फिर वो आपके मोबाइल पे OTP गिरा के वो पता कर ले, तब भी वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसका लिंक डिवाइस जो लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी और डिवाइस में तो लॉग इन नहीं है। लिंक डिवाइस पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सामने वाला अंदर आपका QR कोड स्कैन करके आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, यानी कि अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकता है। और दूसरा जो तरीका है उसके लिए भी आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसका सेटिंग पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको चैट लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। चैट पे क्लिक करने के बाद आपको चैट बैकअप लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देख लेना है गूगल अकाउंट जो लिखा रहा है ना, यहाँ पे आपका ही जीमेल होना चाहिए। अगर किसी और बंदे ने अपना जीमेल लॉगिन करके रखा है तो आपका व्हाट्सएप का जितना भी चैट वगैरह है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर किसी और का अगर लॉगिंग हो तो आपको सिंपली सेटिंग चले जाना है, और सेटिंग ऑन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे यूज़र्स एंड अकाउंट लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। यूज़र एंड अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको अननोन जीमेल नज़र आए उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, इससे आप रिमूव कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से रिमूव कर दिया। इस तरह से आप भी जीमेल को रिमूव कर सकते हैं, वो आपके फ़ोन से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, जो भी हैकर का जीमेल होगा या फिर किसी का भी होगा जो अननोन जीमेल होगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, और आपको मैं तीसरा और आखिरी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका कोई भी व्हाट्सएप को अकाउंट को हैक कर सकता है। उसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आ जाने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो लिखा आ रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल पे रिक्वेस्ट सेंड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि आपके मोबाइल का कोई भी डाटा निकाल रहा है, यानी कि 3 दिन के बाद है ना, इसका यहाँ पे पूरा पूरी रिपोर्ट आ जाता है जिसके आपने किसी को मैसेज किया था, ये वो सारी चीज़ें इसकी आ जाती है। अगर आप में लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट सेंड, इसका मतलब किसी ने आपका फ़ोन से रिक्वेस्ट सेंड को, रिक्वेस्ट रिपोर्ट को क्लिक किया है जिससे वो आपका डाटा पता कर पा रहा है। आपको इसे यहाँ से चेक कर लेना है। अगर आप पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट लिखा रहा है यानी कि आप सेफ हैं। और आखिरी जो स्टेप है जिसके बाद आपका कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आ जाने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जो लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। इससे अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाए, उसका सिम भी अगर किसी और के पास चला जाए, वो तो फेसबुक को इंस्टॉल भी, व्हाट्सएप को इंस्टॉल भी कर सॉरी, तो भी वो आपका अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा। और भले ही आप उसको अपना OTP बता देंगे तब भी वो आपका अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, नहीं अपने में नहीं चला पाएगा। यहाँ पे आपको टू टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना 6 डिजिट का पिन बना लेना है, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, और आपको ये खुद भी याद रखना है। अगर आप भूल गए तो आप खुद भी इसे लॉग इन नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसे कहीं भी सिंपली लिख लेना है जिससे आपको याद रहे, और फिर यहाँ पे लिख के कंफर्म कर देना। और आप यहाँ पे अपना ईमेल भी डाल सकते हैं, अगर आप अपना पिन भूल गए तो आपका अपना रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं ऐसे। मैंने अपना ईमेल डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिर से आपको ईमेल डाल देना है कंफर्म करने के लिए। मैंने डाल दिया, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, और ये देखिए ये हो चुका है। इस तरीके से जब भी आप फ़ोन को समझिए व्हाट्सएप डिलीट कर दिए, उसके बाद फिर जब ऑन करेंगे ना तो भी आपसे पिन मांगे जिस तरह से मांग रहा है। इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप को हैकिंग प्रूफ बना सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था।